everyone. Today I am standing here in between of a Miyawaki forest. So what is Miyawaki forest? Miyawaki forest is a technique of dense plantation and the plantation of native species, and then it promotes rapid growth in biodiversity. And this Miyawaki method is conceptualized by the Japanese botanist named Dr. Akira Miyawaki. So Miyawaki tree plantation is a revolutionary approach for afforestation. It grows 10 times faster and 30 times denser than the traditional forest. So in Miyawaki forest, we focus on 4 layers of tree plantation. The first layer is canopy layer, other is tree layer, then shrub, and then herbs at the ground layer. So, सबसे पहला जो लेयर होता है, that is canopy layer, जिसमें we select the large plants because growth बहुत fast होता है and they grow up to 15 to 30 meter, जो कि फिर canopy create करते हैं. Second layer में, tree layer में हम smaller trees choose करते हैं and large shrubs choose करते हैं. Then we come to the third, that is shrub. So, shrubs में हम large shrubs और bushes, they attract the pollinators and that's why they create the habitat for wildlife. मॉइस्चर बचा के रखते हैं, वीट को सप्रेस करते हैं, सॉइल का नरिशमेंट बढ़ाते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो क्रिएट अ हैबिटेट फॉर द स्मॉल इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कि फिर इस टाइम की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है एंड बायोडाइवर्सिटी चलती है. मियावाकी फॉरेस्ट में हम जो प्लांटेशन होता है वो काफ़ी डेंस करते हैं, एंड इसकी वजह से ये क्या करते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड ऊपर जो हमें ग्रोथ दिखती है उसके साथ साथ देयर इज़ अ बिग इकोसिस्टम ऑफ रूट्स इनसाइड द लैंड. सो उसकी वजह से जैसे हम जब अगर बहुत बड़ा ट्री वैरायटी भी लगाते हैं, उसके साथ श्रब भी लगाते हैं, बट ये एक दूसरे को साथ में डेंस करते हैं, एंड बिकॉज देयर ऑल्सो रिक्वायर्ड सनलाइट, तो ये ऐसे डायरेक्टली ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, सो दे कैन गेट द इनफ सनलाइट फॉर देम. इस वजह से इनकी जो ग्रोथ होती है दैट इज़ क्वाइट फास्टर, लाइक इट्स 10x फ्रॉम द रेगुलर जो फॉरेस्ट प्लांटेशन किया जाता है. सो आई विल शो यू द डिफरेंट स्टेजेस वी प्लांटेड फॉर दिस मियावाकी, कि इतने मंथ पे कैसा दिखता है एंड 4 मंथ्स पे एंड देन 1.5 साल में वो कैसा दिखता है. तो ये एक लैंड है जहाँ पे हम मियावाकी फॉरेस्ट का प्लांटेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने अलग अलग इसको फेजेस में डिवाइड करके किया है. सो दिस इज़ द प्लेस, ये वाला जो प्लांटेशन है ये इसको अभी जस्ट हुए 2 मंथ हुए हैं, तो अभी इनकी ग्रोथ ये है यहाँ पर. सो सेम लैंड का ये एक दूसरा पोर्शन है जहाँ पर ये वाला जो ट्री प्लांटेशन था ये हमने अभी 4 महीना पहले किया है, एंड यू कैन सी द ग्रोथ बिकॉज दे आर वेरी डेंस, तो उससे दे ग्रो वेरी फास्ट. एक दूसरा पोर्शन है जहाँ पे ये वाला जो ट्री प्लांटेशन है ये हमने 1.5 साल पहले किया था, जो कि मानसून भी ऑलरेडी देख चुका है. तो यू कैन ईजली नो द डिफरेंस कि जब हम मियावाकी फॉरेस्ट ट्री प्लांटेशन करते हैं बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम जो कि इनकी रूट्स में जो जमीन के अंदर भी क्रिएट होता है, एंड दे हेल्प ईच अदर टू ग्रो, और उसकी वजह से लाइक इट्स अ रैपिड ग्रोथ इन द फॉरेस्ट, इट्स ग्रोस 10 टाइम्स. मियावाकी ट्री प्लांटेशन का जो मेथड होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. सो पहले बार हम क्या करते हैं, ऑन दिस फर्स्ट स्टेप वी डू साइट एनालिसिस एंड द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सो साइट एनालिसिस में क्या करते हैं, हम पहले एक ऐसी जगह ढूंढते हैं दैट इज लाइक वहाँ का सॉइल एंड द सनलाइट शुड बी प्रॉपर एंड कि वहाँ पर ट्री प्लांटेशन हो सके. देन फिर वहाँ की सॉइल को हम प्रिपेयर करते हैं. इन दैट व्हाट वी डू इज हम उसकी सॉइल को ऊपर को थोड़ा पोरस करते हैं, देन वी मिक्स राइस खस, कोको फॉस्ट एंड कोको पीच एंड द कंपोस्ट की उस सॉइल को न्यूट्रिशन देने के लिए, एंड वी मिक्स इट ऑल एंड वी प्रिपेयर द लैंड. देन कम्स टू द सेकेंड फेज, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ ट्री स्पीचीज विच वी आर गोइंग टू प्लांट एंड उनका प्लांटेशन कैसे होना है. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम जो प्लांट्स होते हैं वो 4 लेयर्स के हिसाब से सारे प्लांट सेलेक्शन करते हैं, और वहाँ के नेटिव प्लांट सेलेक्ट करते हैं जिस भी एरिया में हम मियावाकी ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं. आफ्टर दैट जो ये मियावाकी ट्री प्लांटेशन मेथड होता है, तो उसमें हम काफ़ी छोटी जगह में ज़्यादा मतलब डेंस प्लांटेशन करते हैं, तो लगभग 1 स्क्वायर फीट में हम 3 to 5 प्लांट्स एक साथ प्लांट करते हैं. देन इट कम्स टू केयर एंड मेंटेनेंस, तो केयर एंड मेंटेनेंस में वी डू मल्चिंग. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इस टाइम पे तो बिकॉज ऑफ द वेदर नेचुरल मल्चिंग भी हो रखी है, सो मल्चिंग हेल्प्स इन रिटेन द मॉइस्चर एंड ऑफ कोर्स ये लैंड को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट डीकम्पोज इट्सेल्फ.
सो एंड देन वी डू रेगुलर वाटरिंग बिकॉज जब भी इनिशियल स्टेज पे जब ट्री प्लांटेशन होता है फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स दे रिक्वायर रेगुलर वाटरिंग आफ्टर दैम व्हेन दे थ्राइव एंड व्हेन दे आर सेल्फ सस्टेनेबल सो फिर जो नीचे का जो इकोसिस्टम रूट्स का जनरेट हो जाता है दे हेल्प देमसेल्व्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड उसके अलावा वी डू रेगुलर मेंटेनेंस कि उनका पेस्ट कंट्रोल होना है वीट क्लियरेंस होना है एंड ऑल दिस स्टफ सो आफ्टर दैट द लास्ट फेज जो कि अभी हम इस साइड पे भी कर रहे हैं बिकॉज ये सेल्फ सस्टेनेबल हो चुका है सो व्हाट वी डू इज वी डू रेगुलर मॉनिटरिंग एंड वी कीप ट्रैक ऑफ द ग्रोथ कि कभी किसी भी जो पेड़ हैं इनको इंसेक्ट तो नहीं लगा है या फिर इन पे पेस्ट अटैक तो नहीं हुआ है बिकॉज कि अगर कभी कुछ हो रहा है हमें थोड़ा सा भी दिखता है इनिशियल स्टेज पे सो वी कैन टेक केयर एंड उससे हम उनको इनिशियल स्टेज पे ही बचा सकते हैं सो हेयर आर द 4 स्टेप्स जिसमें कि ये पूरा मियावाकी ट्री प्लांटेशन डिवाइडेड सो हेयर आई एम जस्ट 2-3 स्टेप्स इन साइड द फॉरेस्ट एंड आई कैन रियली फील द डिफरेंस इट इज श्योरली 2-3 डिग्री than the outside and the air here is more fresh, cooler and pure.